You're watching Pack Media on Modi. बहुत देर कर दी इंतजार करवाने के बाद. कल हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था. कल पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच के बाद हमने देखा कि वो जो जीत थी बहुत मुश्किल हमें नजर आ रही थी, लेकिन एक लंबा इंतजार करने के बाद मिला आखिर हम जो है वो जीत ही गए हैं. जिस तरह हम जीते हैं ये हमारे लिए बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि हम जो है वो नेक्स्ट मैच जो है वो हिंदुस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं. बिल्कुल, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है. अब उस पर खुश हों या फिर दुख मनाए, समझ से बाहर इनके हम लोग आखिरी विकेट तक, आखिरी ओवर तक हम लोग श्योर नहीं थे कि हम ये मैच जीतेंगे नहीं, बिकॉज के आखिरी ओवर था और हमें काफी रन रिक्वायर्ड थे. अगर शुएब मलिक के दो हिट्स ना होते तो शायद हम ये मैच शायद जीत ना पाते. दूसरी जानब कल मैच हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का भी, जहां पर इंडिया ने बासानी ये एक कॉन्फिडेंट तरीके से मैच जीती है, जिसमें देखने में हमें मिला है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम ने भरपूर कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ ये मैच खेला और मैच जीत लिया. कल के मैच पे हमने यहाँ पे खुशी मनानी है या फिर पाकिस्तान पर खुलकर तनकीद करनी है, इस पे हम लोग फैसला करेंगे. लेकिन जानिब सुपर फोर मरहले के दुबई में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी. भारत ने बांग्लादेश की जानिब से दिया गया 174 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया. भारत की जानिब से रोहित शर्मा ने 83 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि शेखर धवन ने 40 और महेंद्र सिंह धोनी ने 33 रन बनाए. बांग्लादेश की जानिब से मुशरफी मुर्तजा, शकीब उल हसन और रुबेल हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल की. लेकिन अब ये थोड़ा सा एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं वेकअप कॉल के बाद. हाँ, अभी एक बात, ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कहना कि इंडिया के खिलाफ अब हमें वेकअप कॉल मिल गई है. यानी लिटरल मतलब तो वेकअप का ये है कि यू वर स्लीपिंग, तो आपको वेकअप कॉल दी गई, उठे जी, उठ जाए. अच्छा, उठ गए आप. अच्छा, इसका मतलब अगर उठ गए हैं तो इसका मतलब बता दिया कि मैं उठ गया हूँ और अब हम इंडिया के खिलाफ जीतेंगे, जबकि आप बड़ा मरमर के जीते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान. अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि आपके पास वो प्लेयर नहीं है टू द क्लास ऑफ गवास्कर, तेंदुलकर, ड्रेविड, गांगुली एंड जो हमारे हमारी शक्लें भी एक है, हमारे जिस्म भी एक जैसे हैं और हमारी ज़हनियत भी एक तरह की है, तो हमें और उनमें इतना फ़र्क क्यों है? वो मुझे बताएं कि वो क्यों पैदा कर रहे हैं कोहली, मुझे बताएं ना, वो धवन क्यों पैदा कर रहे हैं? हम हमारे पास क्या इशू है? हमारा इशू ये है कि हमने एक शोर मचा दिया है कि वी नीड 6, वी नीड 4 और स्लॉग और ये कर दिया और वो कर दिया, प्लान कर दिया. बड़ा टाइप किस्म की हम कमेंट्री भी करना चाहते हैं और हम खेल भी ऐसा देखना चाहते हैं. होना ये चाहिए था कि आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का 4-डे फिक्स्चर है उसको बड़ा संजीदगी से लिया जाता, लेकिन आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते रहे हैं वो भी तबाशे करते रहे हैं, सिफारशी अव्वल दर्जे के, और फिर एक दफा जाने के बाद फिर आने की कोशिश भी करते हैं. उनको भी शर्म आनी चाहिए. उन्होंने कभी हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये मुचा साहब पास बैठे हो, कभी तवज्जो नहीं दी. कभी आप जाके देखें लाहौर में, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम यूं करते थे कि पहले जाके देखते थे एक्शन कॉलेज में कौन सा मैच हो रहा है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कौन सा मैच हो रहा है, और फिर कज़ाफी स्टेडियम में जगह जगह पर हम घूमते थे, देखते थे कहाँ कौन कौन खेल रहा है. अच्छा, चले, अब बदला हुआ जमाना है, अब तो चिड़ियां भी आप सुन सकते हैं जाके इन मैदानों में, जहाँ पे कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 2.5-3 दिनों में मैच खत्म हो रहे हैं. उसी की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ना, फिर आपको टेस्ट में और ODI में मिलती है. आप वहां पर भी पूरा नहीं उतर रहे बदकिस्मती से. वो जो एक मैंने आपको कहा था गेम चेंजर, चौके छक्के लगाने वाले गेल जैसे, फ्लिंटॉप जैसे, इस किस्म के प्लेयर जो है वो आपने पैदा नहीं किए. ये भी आपकी धोनी आपने कोई पैदा नहीं किया. और फिर ये है कि आवे का आवा जो है वो आपका सारा पिंड इकट्ठा हो गया है टीम के अंदर, सेमी लिटरेट ना, वो कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं है. हम मेरा ताल्लुक जनरली आई एम फ्रॉम द रूरल एरिया, सो इज बुच्चा साहब. लेकिन जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ अर्बन कल्चर से आपको सीखना पड़ता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो भी नहीं है. अब देखें मैच पे अगेंस्ट इंडिया. देखिए जी, इंडिया के मैच के जो पहला मैच पाकिस्तान हारा है उसमें मुझे तो ऐसे लगता है गेम प्लान ही गलत था. कोई गेम प्लान था ही नहीं, मामूल हक का शॉट मारना उतरे. अगर प्रॉपर गेम प्लान से खेले, इंडिया हैज जस्ट लॉस्ट 3 प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट. कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान को जीतना नहीं चाहिए. जरा समझ से, होच से, प्लानिंग के साथ जाएं. और प्लान 1 होता है, प्लान 2 होता है. आपको देयर शुड बी अ प्लान बी फॉर द टीम. बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल मुच्चा साहब और राजासद अली खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. कल तो मैच हो गया, फाइनली हम जीत गए, लेकिन कल का मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैच पूरी कौम खेलेगी. सो वी होप कल का मैच में जो है वो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी एंड इवेंचुअली विल गेट देयर शेकअप. आपने प्रोग्राम देखा है, तकरीबन होने वाले थे आखिरी ओवर में, ही वाज नॉट श्योर कि हम ये मैच जीत पाएंगे नहीं. उन्होंने अपने देखें कल उन्होंने कमेंट्स भी ये दिए कि हम वी गॉट आउट ऑफ जेल. बिल्कुल, पाकिस्तान का कल मैच जो था वो आखिरी ओवर तक हम ऐसे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है. दिस इज पैथेटिक. अफगानिस्तान के खिलाफ आप 50वें ओवर तक मैच ले गए और आप फिर ये देखें कि
और इसमें एक अजीब बात यह है कि किस कदर खुशी मनाई गई कि हम अफगानिस्तान को जीते हैं, ऐसे जैसे कि हमने किसी बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की टीम को हरा दिया। तो हमारा लेवल अब इतना इतना लेवल नजर नहीं आ रहा था, सबके सांस फूले हुए थे। जी जी जी, क्योंकि अगर हम हार जाते वो तो हम क्या करते, इंडिया के खिलाफ क्या करते अगर हम इस टीम से हार जाते। देखिए मुझे तो कल एक चीज बड़ी अजीब सी नजर आई है, और वो एक चीज ये नजर आई है, मुझे आपका कप्तान कल लैक ऑफ शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहा है। कल मुझे उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारे, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, वो घबराए घबराए हर वक्त उसमें परेशानी में है। जब वो बैटिंग में भी जा रहे थे, उनकी बैटिंग जिस बॉल पे कल वो आउट हुए, मेरे ख्याल है 10 में से 9 दफा तो वो उसके ऊपर चौका या छक्का लगा सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट इनोसेंट लुकिंग फुल टॉस के फुल टॉस पे जो है वो मेरा ख्याल है कुछ शायद कोई जो बेचारा एक बाजू वाला होता वो भी इसमें सिंगल ले लेता। आसमान भी अच्छा खेल सकते थे अगर वो बैटिंग पे जो है बैट पे स्ट्रेट ना खेलते, अगर क्रॉस खेलते तो मेरे ख्याल में वो आउट होने से बच जाते। देखें फखर जो है ना, मेरे ख्याल ही इज ऑल ऐसे अचानक एक बैड पैच में आ गया, लेट्स होप इट्स जस्ट फॉर द 3 मैचेस, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले मैच में स्कोर करेगा, और अगर फखर स्कोर करेगा ना तो आपकी टीम का स्कोर 250 से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रोक मेकर है, वो इमाम की तरह नहीं खेलेगा, बाबर आजम की तरह नहीं खेलेगा, वो राणा बॉल से बेहतर खेलेगा। तो मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि ये जस्ट 3 मैचेस थे, और ये वो ही इज नॉट इंटेंडेड टू डू अ बैड पैच, अगर वो उस पैच में आ गए तो फिर प्रॉब्लम है, अगर वो उससे नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया के खिलाफ। ठीक है साहब, ये आखिर के वक्त सर कहिएगा कि कल आपने मैच देखा, हमने इतना अच्छा खेला कि हमने 50वें ओवर में जाके मैच जीता, क्या कहते हैं इस पर? ये क्लोज मैच था, ये क्लोज मैच है, और अफगानिस्तान ने आपको एक टफ फाइट दी है, सिंपल एज दैट। अब उनमें वो भूख थी क्रिकेट की, जो कि मैं समझता हूँ कि इन लड़कों में थी, वो भूख नजर नहीं आई है। देखो ये हंगर होती है आपके अंदर टू विन, यू हैव टू गो आउट टू विन। ये क्या वजह है कि एक, मैं इसको सब स्टैंडर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एन ऑर्डिनरी टीम लाइक अफगानिस्तान, अ ग्लोरिफाइड क्लब क्रिकेट टीम आके पाकिस्तान टीम को इतना टफ टाइम देती है, जो कि इंटरनेशनल पोडियम पे खेलती रही है। लेकिन ये इससे पहले जो अभी बात आप लोग कर रहे थे, ये इमरान और असद, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रूमिंग जो है, देखो क्रिकेट इज नॉट ओनली बैट एंड बॉल, क्रिकेट इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग एज वेल, मैनर्स एज वेल। मुझे याद है कि नसीम अशरफ जब आए थे चेयरमैन, तो हमने ये इधर से अमेरिकन काउंसिल हंट, इनको बुलाया कि भाई हमें बंदे दो ताकि इनको छुरी कांटे पकड़ने की इनको तमीज आए, इनको टेबल मैनर्स की तमीज आए। मुझे अभी तक याद है कि मियादाद और मैं जब आप गए थे तो बर्मिंगम में, वो हमें खाने पे थे रात को, तो किसी ने कहा कि ये चॉकलेट्स हैं, वो मियादाद से पकड़ के सारी वो चॉकलेट पेट वो अपने जेब में डाली, वो बाद में पता चला वो मक्खन थे। अब अंदाजा लगाओ कि लड़कों को कुछ नहीं पता था उस वक्त, कुछ भी नहीं पता था। ये मुश्ताक अहमद ये गया पहली दफा, इसको अंग्रेजी बेचारे को नहीं आती थी, तो इसको सालन चाहिए था कि जाके बैठो, कहता है कैन आई हैव सम मोर सलून, वो कहता है ये सलून क्या चीज है, सालन, अब उसको सालन अंग्रेजी में बोलना नहीं आता था, तो कैन आई हैव सम मोर सलून। अब द क्वेश्चन इज, आपको गाइड करना है इनको, आपको जब तक इनको गाइड नहीं करोगे, जब तक इनको ट्रेन नहीं करोगे, आप एक आउटफिट नहीं हो। और यही वजह है हम मार पता क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे लड़के मैच के बाद अपना एक हडल कर जाते हैं, मिक्स करते नहीं है दूसरी टीम के साथ इनको, क्योंकि इनको अंग्रेजी आती नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, और इनको दूसरे के आप कह लो ना एक हवा रहता है। इसीलिए मैंने ये इमरान और असद, इसीलिए मैंने हमारी टीम को जब हम वर्ल्ड कप में गए, मैंने कहा जाके मिलो दूसरों से, बात करो, ये जो तुम्हारे हवे निकले हुए दूसरों के, ये सब खत्म हो जाएंगे जब तुम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे, और तुम कहोगे यार ये तो एक आम प्लेयर है, यार एक आम आदमी है, आप नामों से खेलते हो और बॉल से नहीं खेलते, तो ये चीजें जब आप खत्म करोगे यू ऑलवेज इम्प्रूव अ लॉट। सब एक मिनट, क्रिकेट पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, मोटिवेशन या चेंज ऑफ टेक्निक? ये वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो जो मोटिवेशन होती है इस लेवल पे, ये बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आप लास्ट मिनट भी असद ने भी बात की, लास्ट मिनट पे आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी को कि आके हाँ जी अपने तुम टेक्निक चेंज कर दो, तुम इस तरह खेलो, नो, आपने सिर्फ मोटिवेट करना है कि उस रिदम के अंदर आप आ जाओ, ताकि यू प्ले फॉर द मोमेंट। ये तो मोमेंट एक घंटे के बाद चेंज हो जाएगा, वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, आपकी हवा चेंज हो जाती है, हवा का रुख चेंज हो जाता है, जो बॉलर अंदर ला रहा है वो गेंद बाहर नहीं ला सकता, सो ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो आपने सिर्फ इनको मोटिवेट करना है कि भाई तुम जाओ एंड प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड प्ले स्ट्रेट,
across the line, jahan bhi khelne ka, whether it is T20, whether it is one day, whether it is test cricket, rule of law and law of averages will never allow you to be consistent. Ki aap across the line khelo, seedha seedha khelo, jahan tumhe gend milta hai wahan maro, across the line na maro. So motivation, yes, I agree, it is very important.